अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चल रहे कुलभूषण मामले पर जैसे ही जजों का फैसला आया, पूरा भारत जहां झूम उठा, वहीं पाकिस्तान में जैसे सन्नाटा छा गया। कोर्ट के 16 जजों में से 15 ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण को सुनाई गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी और पाकिस्तान को सजा पर फिर से विचार और समीक्षा करने का आदेश दिया है। नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से जैसे ही भारत के पक्ष में फैसला आया, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर खुशी जताते हुए कहा, ICJ के समक्ष भारत का एक बहुत मजबूत मामला था। AIMIM कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस और एक निष्पक्ष जांच के अधिकार को मान्यता देने वाले ICJ के फैसले का स्वागत करता है। उन सभी वकीलों को धन्यवाद देना चाहिए जिनमें हरीश सालवे शामिल है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कुलभूषण जाधव पर आए फैसले पर कहा, पाकिस्तान में लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो कुलभूषण को रिहा भी कर सकता है। कुलभूषण मामले में भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। हाँ, ये अभूतपूर्व जीत हुई है, साधारण जीत नहीं हुई। अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट में पूरा सफाई हो गया पाकिस्तान का, और 16 में एक पाकिस्तानी जज छोड़कर बाकी 15 जो थे चाइना सहित, सब हमारे साथ थे। तो ऐसे जो निर्णय मैंने पहली बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देखा है। अभी तो फांसी पर रोक लगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आगे रिहा भी हो जाएंगे? होना ही चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है कि जो तथ्य पेश किए वो पर्याप्त नहीं है, और जो उनको मौका दिया है कुलभूषण को, वो भी न्याय विधि के अनुसार पर्याप्त नहीं है, और इसीलिए उसको अब अपील होना चाहिए। उसमें उनको पूरा छूट मिलनी चाहिए, जो वकीलों को बुलाना चाहते हैं, जिनको जहाँ भी कि कहीं भी दुनिया से कहीं भी जो बुलाने चाहते हैं उनको अधिकार है। तो अब ये मान के चलना, कल ये भी सुन सकते हैं कि ये इमरान खान कह देगा ठीक है हम उसको माफ़ करके भेज रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी तो आंखें तक लड़ने वाले लोग नहीं है। 1 रुपए की फीस पर कुलभूषण का केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील हरीश सालवे की भी सुब्रमण्यम स्वामी ने जमकर तारीफ की। निर्णय तो मोदी ने किया था, जाना है नहीं जाना है। कई लोग कह रहे थे बेकार है, पहले जो हुआ है सब उसे हम फंस जाते हैं, देखो क्या हुआ कश्मीर का ये। पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमें करना है, और मुझे जो केस है वो मुझे विश्वास है। उन्होंने एक अच्छे सालवे जो है अच्छे वकीलों को चुना, बाकी किसी की बात नहीं सुने, और सालवे ने भी बड़े कमाल से उन्होंने आर्ग्यू किया, और ये सारी कुल मिलाकर किसी को श्रेय मिलनी चाहिए, एक किसी एक को मिलनी चाहिए तो मोदी को तो ही मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में उसकी नज़र में और उनकी विचारों के अनुसार सारा हुआ है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने भी भारत की इस जीत पर पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय की जमकर तारीफ करते हुए लिखा है, मैं प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को पाकिस्तान पर हमारे राजनयिक विजय के लिए बधाई देता हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दिया और फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को मौत की सजा की समीक्षा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ICJ में एक महान दिन, फैसला सच्चाई की जीत है और मानवीय गरिमा की रक्षा करता है। ये सभी भारतीयों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार के कूटनीतिक प्रयासों और प्रतिबद्धता की एक और अभिव्यक्ति है। मैं हरीश सालवे जी को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी लिखा, मैं ICJ के फैसले का स्वागत करता हूँ, हम कुलभूषण जाधव के साथ हैं, उनके परिवार के लिए फैसला राहत, खुशी और नए सिरे से आशा का क्षण लाया है कि वो एक दिन भारत में अपने घर लौटने के लिए आजाद होंगे। बीजेपी सांसद गोपाल सिंह ने भी इस मुद्दे पर कहा कि पाकिस्तान को इस फैसले से सबक लेना चाहिए और कुलभूषण को जल्द रिहा करना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ने बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है कि पाकिस्तान को उसने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप अपने निर्णय पर पूरा थिंक कीजिए और अपने फैसला को बदलने की कोशिश कीजिए विचार करके, और ये हमारे पक्ष में बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि 16 जजों में सिर्फ पाकिस्तान अपने विचार को रखा है, बाकी 15 जज भारत के पक्ष में हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी फैसला और हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से भारत की बहुत बड़ी जीत है,
और दिनों दिन पाकिस्तान नीचे दबते जा रहा है और इंटरनेशनल दबाव उसके ऊपर काफ़ी बढ़ रहा है और एक मानसिक दबाव और हो गया जो कुलभूषण जाधव के पक्ष में जो इंटरनेशनल कोर्ट का निर्णय हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे इस जजमेंट से पाकिस्तान को सीख लेनी चाहिए और छल छलावा के राजनीति के तरह किसी कुलभूषण जाधव को फिर से रिहा करें, पुनर्विचार करें, उसको रिहा करें। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इसे 125 करोड़ देशवासियों की जीत बताई है। ये बड़ी जीत है, 130 करोड़ हिंदुस्तानी की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई, हरीश सालवे जी को बधाई, पूरी इंडियन टीम जो वहाँ पर गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो अच्छा खेली और पाकिस्तान को हरा कर आई। पूरी दुनिया भारत के साथ, तन्हा तन्हा रह गया पाकिस्तान, वो भी कोई उसके साथ नहीं, अकेला जज, और वो भी पाकिस्तानी तो न्याय कर ही नहीं सकता। कुलभूषण जाधव को अब काउंसलर एक्सेस मिलेगा, फांसी पर रोक लग गई है और पूरा प्रयास भारत का होगा कि कुलभूषण जाधव एक बेकसूर है, बेगुनाह है, एक मासूम है, उसको लेकर भारत हम लोग आए, इसकी कोशिश होगी। मोदी है तो मुमकिन है। कुलभूषण जाधव मामले में ICJ से मुंह की खाने वाला पाकिस्तान भी कानून का पालन करने को राजी हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते पाकिस्तान शुरू से ही इस मामले में प्रतिबद्धता दिखा रहा है। पाकिस्तान ने फैसला सुन लिया है और अब कानून के अनुरूप कदम उठाएगा। बात अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का आदेश मानने की करें तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 94 के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश अदालत के उस फैसले को मानेंगे जिसमें वो स्वयं पक्षकार है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के पास अपने आदेश को लागू करवाने के लिए सीधे कोई शक्ति नहीं होती। ऐसे में किसी देश को अगर लगता है कि दूसरे देश ने ICJ के आदेश की तामील नहीं की तो वो इस पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में गुहार लगा सकता है। इस पर फिर सुरक्षा परिषद उस आदेश को लागू करवाने के लिए उस देश के खिलाफ कदम उठा सकता है। कुलभूषण मामले में भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। हाँ, ये अभूतपूर्व जीत हुई है, साधारण जीत नहीं हुई। अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट में पूरा सफाई हो गया पाकिस्तान का और 16 में एक पाकिस्तानी जज छोड़कर बाकी 15 जो थे चाइना सहित सब हमारे साथ थे। तो ऐसे जो निर्णय मैंने पहली बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देखा है। अभी तो फांसी पर रोक लगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आगे रिहा भी हो जाएंगे? अब होना ही चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है कि जो तथ्य पेश किए वो पर्याप्त नहीं है और जो उनको मौका दिया है कुलभूषण को वो भी न्याय विधि के अनुसार पर्याप्त नहीं है और इसीलिए उसको अब अपील होना चाहिए। उसमें उनको पूरा छूट मिलनी चाहिए, जो वकीलों को बुलाना चाहते हैं, जिनको जहाँ भी कि कहीं भी दुनिया से कहीं भी जो बुलाने चाहते हैं उनको अधिकार है। तो अब ये मान के चलना, कल ये भी सुन सकते हैं कि ये इमरान खान कह देगा ठीक है हम उसको माफ़ करके भेज रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी तो आंखें तक लड़ने वाले लोग नहीं हैं। पाकिस्तान ने हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया पाकिस्तान। तो ट्रंप कहता है ना, मैंने 2 थप्पड़ मारा पाकिस्तान को तभी दिया। अभी ट्वीट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हमने जो दबाव डाली है अभूतपूर्व दबाव उसके कारण हुआ है। तो पाकिस्तान कहाँ अपने आप कुछ निर्णय नहीं लेती है, उसको जब धक्का मुक्का एक दो थप्पड़ मिलती है तब वो ठीक होते हैं। परंतु पाकिस्तान की समस्या का हल एक ही है, उसकी चार टुकड़ा करना चाहिए। तो ये मोदी सरकार की जीत है? हाँ, नेचुरली मोदी ने निर्णय तो मोदी ने किया था, जाना है नहीं जाना है। कई लोग कह रहे थे बेकार है, पहले जो हुआ है सब उसे हम फंस जाते हैं, देखो क्या हुआ कश्मीर का ये। पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमें करना है और मुझे जो केस है वो मुझे विश्वास है। उन्होंने एक अच्छे सालवे जो है अच्छे वकीलों को चुना, बाकी किसी की बात नहीं सुने। और सालवे ने भी बड़े कमाल से उन्होंने आर्ग्यू किया और ये सारी कुल मिलाकर किसी को श्रेय मिलनी चाहिए, एक किसी एक को मिलनी चाहिए तो मोदी को तो ही मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में उसके नज़र में
और उनके विचारों के अनुसार सारा हुआ है।